हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को कुछ दिन पहले इसका मैंने अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग दिखाया था, जो कि दोस्तों ये है एनएक्स ऑडियो की ओर से आने वाला डीजे मीडिया 5000 MK2, जो कि दोस्तों एक USB प्लेयर के साथ साथ आपके लैपटॉप से अटैच होकर चलने वाला MIDI कंट्रोलर है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के साथ जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इसको लेना सही है कि नहीं है, जिस बजट पे आता है उसके साथ इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं और इसमें क्या बुराई है, और आपको लेना चाहिए इसमें पैसा लगा के कि नहीं लेना चाहिए अपने सेटअप के लिए। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों, तभी आपको सारा कुछ डिटेल्स इसका पता चल पाए। तो अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, और भाई जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का उसको भी दबाना बिल्कुल फ्री है, तो यार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से दबा देना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस मीडिया प्लेयर को मैंने पावर केबल के साथ अटैच कर लिया है। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूं यहां से। तो इसको जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने जो है ऑन कर लिया है इस मीडिया प्लेयर को। अब यहां पे दोस्तों जैसे कि मैंने दोनों ही डेक पे पेन ड्राइव इंसर्ट करके रखा है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी रीड हो रहा है। अब यहां पे रीड हो चुका है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसकी कमी की बात करूँगा कि इसमें आपको क्या कमी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, इस मीडिया प्लेयर पे आप चाहे तो 32 GB का पेन ड्राइव लगा सकते हैं, वो भी सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे 32 GB ही लगा है, और आप चाहे 16 GB लगा सकते हैं, वो भी सपोर्ट करेगा। लेकिन दोस्तों उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें होता ये है कि आपके 16 GB पे मान लीजिए कम से कम अगर 2000+ सॉन्ग जा रहे हैं अच्छे क्वालिटी के, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पे लास्ट 999 सॉन्ग ही सपोर्ट करते हैं। तो इस पे क्या है, मैंने इतना ही सॉन्ग डाला है, इसके ऊपर का सॉन्ग नहीं डाला है। जो मेरे फेवरेट सॉन्ग है वही मैं डाल के रखता हूँ, ताकि सेटअप में चलाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो दूसरा कमी दोस्तों मेरे को ये लगा कि यहाँ पे ये जो हेडफोन के लिए दिया है ना दोस्तों, इसमें हेडफोन का आउटपुट बहुत कम है। जब आप नॉर्मल जब डीजे सेटअप चलाएंगे तो आप इसको चाहे कितना भी बढ़ा के रखेंगे, इसको फुल करके रखेंगे, तब भी आपको डीजे सेटअप का ही जो मास्टर आवाज़ है वो ज़्यादा सुनाई देगा, जो आपके हेडफोन ऐसा लगेगा कि हेडफोन में कुछ बज ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दूसरा कमी ये हो गया। और जो तीसरा कमी है दोस्तों, तीसरा कमी इसके साथ ये है कि जब भी आप इसमें जैसे सेटअप ऑपरेट करेंगे ना, तो यहाँ पे आप इसको मास्टर को, तो आप लोग पता है कि मास्टर जो है एक वैल्यूम का काम करता है, तो मास्टर को आप जितना चाहे रख सकते हैं अपने हिसाब से। अपने एम्पलीफायर के साथ साथ आप अपने मिक्सर पे वैल्यूम का कंट्रोल रखिए, वो ज़्यादा सही है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो इसमें जब आप चलाएंगे ना, तो नॉर्मली आप चलाएंगे तो आपको यहाँ पे जैसे हम 0 dB पे ही गेन रखते हैं, लेकिन इसके साथ आपको गेन को कम से कम 75% अगर आप खोल के रखेंगे, तभी आपको इसमें एक अच्छा आउटपुट मिलेगा विदाउट क्रॉस ओवर अगर आप चला रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस ओवर के साथ चलाते हैं तो आप इसको इतना रखिए तो भी मस्त आउटपुट देता है। बाकी दोस्तों प्रेशर के मामले में मैं कहूँगा बहुत से भाइयों के दिमाग में एक चीज़ और रहता है कि जो इसका आउटपुट रहता है, यहाँ से जो आपका मास्टर और बूथ आउटपुट निकलता है, इसमें बोलते हैं कि जो मीडिया प्लेयर आते हैं एनएक्स ऑडियो के, उसमें प्रेशर कम रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इसमें प्रेशर बहुत अच्छा है। जब आप सेटअप चलाएंगे तो बिल्कुल भी मस्त प्रेशर रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि एनएक्स ऑडियो का एक डीजे मीडिया 7000 आया था, जो कि बहुत पॉपुलर रहा और उसका रिस्पॉन्स बहुत मस्त चलता है, अभी भी कई भाइयों जो हैं यूज़ करते हैं। तो ये है दोस्तों इसका कुछ वो। अब दोस्तों मैं इसकी अच्छाई बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, ये आपको 20000 के बजट में आता है, जो कि कोई भी कंपनी आपको ऐसा इस क्वालिटी का नहीं प्रोवाइड करती। एक MX का भी आता है लगभग 17-18 हज़ार के समथिंग, लेकिन उसमें इतने फीचर्स नहीं हैं, उसका आउटपुट इतना अच्छा नहीं है, उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। और ये दोस्तों जैसे 20000 के प्राइस में आया, तो इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। और बहुत भाइयों को इस डिस्प्ले में एक डाउट होगा कि यार दिन के टाइम में धूप में जैसे कहीं सेटअप चलाना है तो विजिबिलिटी इसकी कैसी है, तो मैं कहूँगा इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस डिस्प्ले की। डे में भी कोई चक्कर नहीं आता है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग चाहे तो इसको देखिए, यहाँ से आप चाहे तो पेन ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी लगा है, फिर ब्लूटूथ से चलाना चाहे तो आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको लैपटॉप से अपने अटैच करके मीडी कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, मैंने इसको
लगभग 6 से 7 या फिर 10 काम हो गए होंगे समथिंग, तो उतने कामों में मैंने इसको चलाया है, तो इसका एक्सपीरियंस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जिस बजट के साथ आता है इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे ना, तो ये जो रेड रेड कलर का इंडिकेटर है, यानी कि भाई जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो रेड कलर का इंडिकेटर इसका मस्त चल रहा है। तो भाई आप लोग जो हमारे इस वीडियो के नीचे जो दिया रहता ना सब्सक्राइब वाला लाल कलर का बटन, उसको भी यार मस्त चलाया करो, मस्त दबा दो, ताकि जल्दी से सब्सक्राइब हो जाए, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। आप लोग समझते ही हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोग ये जो जॉग व्हील है ना, इसका काफ़ी स्मूथ चलता है, और जब आप इस पर यहाँ से मोड सिलेक्ट करके सर्च या फिर स्क्रैच करते हैं तो भी काफ़ी स्मूथ चलता है। तो ये है इसकी क्वालिटी, यहाँ पे आपको पिच बैंड की अच्छी क्वालिटी मिलती है। कुल मिला के कहूँगा मैं, ये जिस बजट में आता है ना दोस्तों, उस बजट के हिसाब से ये बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस मेरा अभी तक का काफ़ी सही था। आप लोग चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं अपने डीजे सेटअप के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिल्कुल फ्री है। तो मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो ये है इसका जॉग व्हील, तो चलिए अब यहीं पर एंड करते हैं।